मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिर गई है। आपको बता दें, यह हादसा सुबह 9:45 बजे का बताया जा रहा है। बस में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे। तो वहीं अब तक 13 लोगों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि 15 लोगों को बचाया जा चुका है। तो वहीं 25 से 27 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है और यह हादसा रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन को बचाने के दौरान हुआ। बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। तो वहीं NDRF और पुलिस की टीम राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंची है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।